उसने कहा बदल गए हो तुम, मैंने कहा वजह तुम हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी ऑफ क्वीन के नाम से जानी जाने वाली एक्ट्रेस शिल्पी राघवानी के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि टिकटॉक स्टार शिल्पी राघवानी दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, इनकी एक अलग ही पहचान बन चुकी है। दोस्तों ये टिकटॉक पर अपनी कैरियर की शुरुआत की थी और इनका दोस्तों बचपन से ही एक सपना था भोजपुरी एक्ट्रेस बनने का। इसके लिए दोस्तों ये बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा ये डांस वगैरह सीखने में अपना मतलब पूरा समय लगा रही थी दोस्तों, जिसकी वजह से आज शिल्पी राघवानी दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं और इनकी पहचान दोस्तों टिकटॉक की वजह से बना था। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, पप्पी दे दे, 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 दे। आज ये दोस्तों भोजपुरी तक पहुंच चुकी हैं, तो अगर ये सब हो पाया है तो इनकी टैलेंट की वजह से कि इन्होंने अपना खुद का एक पहचान बनाया है दोस्तों। वहीं हम आपको बता दें कि ये दोस्तों बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के दोस्तों एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं और ये दोस्तों बहुत ही मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है। ऐसा नहीं कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड दोस्तों बहुत मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन दोस्तों इनके अंदर में एक जुनून था, एक टैलेंट था कि हमें एक्ट्रेस बनना है, जिसके लिए दोस्तों इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, काफ़ी ज़्यादा लगन से काम किया दोस्तों, जिसकी वजह से आज शिल्पी राघवानी दोस्तों इतना ज़्यादा फेमस हो पाई हैं। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इनकी कैरियर की शुरुआत हुई थी टिकटॉक से, जिसकी वजह से आज ये भोजपुरी इंडस्ट्री तक पहुंच चुकी हैं। वहीं दोस्तों इनकी निकनेम की बात की जाए तो इनका निकनेम दोस्तों आरोही है और इन्हें लोग दोस्तों भोजपुरी ऑफ क्वीन के नाम से भी जानते हैं। वहीं दोस्तों शिल्पी राघवानी ने बचपन में इनका नाम दोस्तों शिल्पी कुमारी था, लेकिन दोस्तों जब ये डांस सीखने गई तो इनके गुरु ने दोस्तों बोला कि आप पे शिल्पी कुमारी नाम सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से दोस्तों इनका नाम शिल्पी राघवानी रख दिया गया। तो दोस्तों यही सब बताना था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।